अमी पारा, मुझे बताइए आपने क्या शिप मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं? मैम, हमारी 3 लोगों की टीम होती है जो हम वहाँ से 2 मॉडल्स बना के लाते हैं। एक वीआईपी मॉडल होता है और सेलिंग मॉडल होता है। वीआईपी मॉडल्स वीआईपी को गिफ्ट करने के लिए लाते हैं, जहाँ पे सारे डायरेक्टर का कॉम्पिटिशन होता है। सबको अलग अलग मॉडल्स के नाम अकॉर्डिंग दे दिए जाते हैं। मैं गुजरात डायरेक्टरेट से हूँ, मेरे को INS ब्रह्मपुत्रा का मॉडल दिया गया था और दिस इज लुक द मॉडल। अच्छा, ये है INS ब्रह्मपुत्र। यस मैम, द लीड शिप ऑफ ब्रह्मपुत्र क्लास एंड द गाइडेड मिसाइल ऑफ द फ्रिगेट इन द इंडियन नेवी एंड दिस मॉडल इज द सेलिंग मॉडल। कोलंबस है। जब रशियन और अमेरिकन यहाँ पे आए थे तब उन्होंने 3 कोलंबस के मॉडल बनाए थे। तीनों के तीनों सेलिंग थे। उसमें से तीसरे मॉडल के डिजाइन ये थे, पर्पल ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, यू कैन सी। एंड देन वी मेड कैंप मॉडल जो हम यहाँ पे 48 आवर्स में बनाते हैं और जिसका हम डिस्प्ले भी करते हैं, ब्रीफिंग भी करते हैं और उनको मोटर से चलाते भी हैं। आप मुझे कैंप मॉडल दिखाएंगे जो आपने बनाए हैं यहाँ पे 48 आवर्स में? यस मैम, ये 17 डायरेक्टरेट के 17 मॉडल्स हैं। पर डायरेक्टर 3 लोगों की टीम होती है जो ये मॉडल बनाते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप बनाते हैं, इसमें क्या मटेरियल यूज होता है, कैसे उसको असेंबल करते हैं? तो ये मॉडल बनाया जाता है बालसा वुड से, जो पूरा एक वुड है। वो वुड सबसे फ्लेक्सिबल वुड है जिसको हम मोड़ सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं, किसी भी शेप में उसको दे सकते हैं आसानी से। और जो हमारी सारी शेप्स होती है वो भी उसी वुडन से बनती है, ताकि हम भी उसी वुडन से इसको बनाते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे रियल शिप में कील लगती है, जो मेन पार्ट होती है, हर एक शिप का मेन पार्ट होती है, वो एक कील। वो कील हम लगाते हैं उसके ऊपर, सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगा के ये मॉडल बनाया जाता है। ये फुल्ली मॉडल बनाया जाता है वुडन से और ये मॉडल बनता है 48 आवर्स में। तो ये कंपटीशन है डायरेक्टरेट्स के बीच में? यस मैम, शिप मॉडलिंग का कंपटीशन। यस मैम, तो आपके डायरेक्टरेट का एक बार शिप मॉडल दिखाइए प्लीज। लुक मैम, ओके, नाइस। और बताइए, और आपने कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं? ये यहाँ पर क्या है बताइए? ये एरो मॉडलर्स का है। पिछले साल, बहुत सालों पहले, एरो मॉडलिंग भी होती थी। हम एयरक्राफ्ट भी बनाते थे, जो दूसरे एयर वाले आते थे वो एरो मॉडलिंग करते थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उसको बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वीआईपी मॉडल्स बनते हैं, जो हम जैसे शिप का वीआईपी मॉडल लाते हैं वैसे ही ये लोग एरो मॉडलिंग का वीआईपी मॉडल लाते हैं और हम उसको वीआईपीस को गिफ्ट करते हैं। तो ये एयर कैरेट्स बनाते हैं एरो मॉडल, राइट? तो आप मुझे बताएंगे ये जो सेल्स वाले शिप्स हैं ये क्या हैं? ये भी क्या आपने बनाए हैं? हाँ, ये सेलिंग की शिप है। बेसिकली पुराने जमाने में क्या होता था कि पर्दे वाले शिप होते थे जो हम विंड से चलाते थे। अभी भी उनका क्रेज कम नहीं हुआ है, मतलब हम पुरानी चीजों को भी इतना ही यूज करते हैं। तो ये पूरा विंड की वजह से चलता है। मानो कि यहाँ पे फोर्स आ रहा है विंड का, तो ये चलेगा। अच्छा, हम उसके ट्रायंगल को चेंज करते हैं, उसकी विंड को देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस ओर जाएगा। हमें किस ओर जाना है तो हम उसको किस ओर टिल्ट करके या फिर कैसे मोड़ सकते हैं। ये सिर्फ ये दोनों फोर्सेस की वजह से होता है। इसको फ्रंट फोर कहते हैं, इसको बैक। अमी पारा, आपने यहाँ पे शिप मॉडल बनाए और आप नेवल कैडेट भी हो। yes, तो डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस? यस मैम, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन नेवी इन द डिजाइनिंग ऑफ द शिप मॉडल्स एंड शिप बिल्डर्स। सो ये नेवल NCC करने के बाद, शिप मॉडलिंग करने के बाद आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं नेवी ज्वाइन करने के लिए? यस मैम। और आई होप जो भी आपने NCC में सीखा वो आपके आगे भी काम आएगा। यस मैम, ऑफ कोर्स मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रीफिंग मी अबाउट योर मॉडल्स। ऑल द बेस्ट टू यू। जय हिंद। जय हिंद मैम। थैंक यू मैम। सैल्यूट करो।